जो होटल इंडस्ट्री इसको देख रही है? देखिए, ऐसा है कि ये तो एक होटल इंडस्ट्री की बिल्कुल कमर तोड़ कर रख दी गई है। कारण ये है कि हिमाचल के अंदर शिमला एक ऐसा शहर है जहाँ पर सारे हिमाचल में जितने भी शहर हैं उससे सबसे अधिक पानी का जो रेट है वो चार्ज किया जाता है, और इसको एक कैटेगराइज कर दिया गया है, होटल इंडस्ट्री को कैटेगराइज। अल्टीमेटली 270 के करीब होटल हैं, उन पर कितना को बर्डन डाला जा सकता है ये सरकार को भी सोचने की आवश्यकता है। और ये जो अभी जो बढ़ोतरी हुई है, अगर ये वापस नहीं लेंगे तो हम समझते हैं कि हमें जो है हो सकता है कि होटल इंडस्ट्री को जो चाबियां जो SJPNL को सौंपनी पड़े, क्योंकि जो हमारा एक थ्रस्ट होती है कि एक लिमिटेशंस होती हैं, अब कमाई कम है और खर्चे ज़्यादा हैं तो कहाँ से होटल वाला उसको पूरा करेगा। रहते खुलते उधर जो इतने खुलते चले जा रहे हैं, B&B खुलते जा रहे हैं, जिसमें कि कोई अंकुश लगाने के ऊपर सरकार नहीं सोच रही है, उसका जो सीधा सीधा असर है होटल इंडस्ट्री पे पड़ रहा है। होटल इंडस्ट्री वालों ने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है, तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा, ये SJPNL को भी इस पर अपना सोचना ही पड़ेगा कि इसको इस रेट को जो है इसको वापस लिया जाए, नहीं तो होटल इंडस्ट्री जो है डेफिनेटली कोलैप्स कर जाएगी। अभी इतना हुआ है, अब उसके बाद ये प्रॉपर्टी टैक्स के रेट बढ़ जाएंगे, उसके बाद वो गार्बेज फीस बढ़ जाएगी, और होटल इंडस्ट्री से शिमला एक ऐसा शहर है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मार जो है होटल इंडस्ट्री पर पड़ती है, तो उसकी लिमिट है। अब 260 and 270 होटल्स कितना का इनको बर्डन दे सकते हैं, इनको अपने आप समझने की आवश्यकता है। सर, पहले क्या रेट था और अब उनकी दरों में कितनी बढ़ोतरी और क्या नई दर है? देखिए जी, कमर्शियल पानी से जो हमारा होटल को सेग्रीगेट किया है उसके अंदर 67% के करीब जो है अधिक रेट वसूला जाता है। उसके ऊपर जो मार है वो स्लैब सिस्टम लगाया गया, स्लैब सिस्टम लगाने से जो 30 किलो लीटर तक जो है एक स्लैब लगाई जाती है, जिसका अब रेट जो है मेरे ख्याल 97 रुपये हो जाएगा, और दूसरी स्लैब जो है वो 30,000 लीटर से ऊपर की जो कंजम्पशन है उस पर वो 117 रुपये करीब हो जाएगा, और जो 75,000 किलो लीटर से ऊपर है उसके ऊपर जो जाके 128 रुपये किलो लीटर हो जाएगा। तो ये जो इतना रेट है, इतना भारी भरकम रेट जो है होटल इंडस्ट्री नहीं सहन कर सकती, ये पॉसिबल नहीं है कि इतना हाई रेट्स के ऊपर पानी का रेट दिया जाए, जबकि सारे हिमाचल के अंदर सारे शहरों में 27-28 रुपये किलो लीटर पानी दिया जा रहा है। तो हमें ये समझ रहा है, हमसे ये बेइंसाफी क्यों की जा रही है कि इतना हाई टैरिफ हमसे चार्ज किया जा रहा है। अपने बेसिस बेस को बढ़ाएं, आप B&B को तो डोमेस्टिक रेट में पानी दे रहे हैं और होटल इंडस्ट्री को आप बिल्कुल डुबोने के कगार पे चल पड़े हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है हम अभी माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, और उससे पहले हम अपने स्थानीय विधायक हनीश डांडा जी से भी मिलेंगे। अभी थोड़े हमारे लोग कुछ थोड़े बाहर गए हुए हैं क्योंकि मार्केटिंग के लिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि मिडिल ऑफ फरवरी तक वो लोग वापस आ जाएंगे, तो उसके बाद हम इनके समक्ष ये बात रखेंगे और गुहार लगाएंगे कि इस चीज़ को रैशनलाइज किया जाए, होटल इंडस्ट्री को ना खत्म किया जाए, यही हमारा आग्रह रहेगा सरकार से। सर, इसके अलावा इस बार जो है बर्फबारी नहीं हो रही है शहर में, खासकर अगर बात करें तो क्या इसका असर जो है कारोबार पर पड़ रहा है? क्या ऊपरी शिमला या मनाली या और जगह का रुख जो है सैलानी ज़्यादा कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक होटल इंडस्ट्री आपका जो आप कह रहे हैं कि बर्फबारी की बात है, जहाँ तक बर्फबारी का असर जरूर है, मगर चौतरफा ही तो मार पड़ रही है। एक तरफ बर्फबारी नहीं हो रही है और दूसरी तरफ हमारे को ये जो अनरजिस्टर्ड अकोमोडेशन है और B&B जो बंदे चले आ रहे हैं वो हमको हिट कर रहे हैं, तो इस तरह से चौतरफा मार, ऊपर से ये टैक्सेस इतने हैवी लग रहे हैं, पानी के रेट इतने, तो कहाँ जाकर इंडस्ट्री सस्टेन करेगी, ये हमारी समस्या परे हो गई। तो अभी तक सर सैलानियों की संख्या क्या है, मतलब ऑक्यूपेंसी? आज की डेट में तो ऑक्यूपेंसी 25-30% रह गई है सर। तो क्या इसमें कोई बढ़ोतरी की है आपके आसपास? देखिए, बर्फ पड़ेगी तो डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी, क्योंकि टूरिस्ट बर्फ देखने आएगा। बाकी मैंने हमारे मेंबर्स तो सब जगह है, ये कहना लोगों की सोच है कि शायद कुफरी में ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं नारकंडे में, ऐसी नहीं है, उनकी भी यही हालत है जो हमारी हालत है। हमारी हालत थोड़ी ज़्यादा दयनीय है, बिकॉज हमें जो इतने ज़्यादा खर्चे जो हमको वहन करने पड़ते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स, वो हमारे पास ज़्यादा है, उन लोगों के कम हैं जिनको 26-27 रुपये किलोमीटर पानी मिल जाता है और टैक्सीज कोई लगते नहीं है, तो उनको तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है ना इस चीज़।